अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, ये एक मेरी सब्सक्राइबर है, उन्होंने मुझे कमेंट करके कहा था कि आप ऐसे रेसिपी बनाओ, तो मैं आज उनके ही तरीके से रेसिपी बनाने वाली हूँ, वही मैं आज आपसे शेयर करूँगी। और मेरे बच्चों ने भी कुछ फरमाइश की है, मेरे बच्चों ने फरमाइश की है कि मम्मा पिज़्ज़ा बना के खिलाओ, तो आज मैं बनाने वाली हूँ तवा पिज़्ज़ा, जो कि बहुत टेस्टी बनता है। अगर आप लोग चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं अपनी फैमिली रेसिपीज आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, बढ़ते हैं वीडियो की तरफ, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना मैं आपको बताने वाली हूँ कोफ्ता कढ़ी, जो कि मैं ख़ुद पहली दफ़ा बना रही हूँ। बस उन्होंने मुझे जैसे बताया ना, मैं वैसे ही बना रही हूँ। तो ये मैंने है ना 2 कप के करीब इसमें लिया है बेसन एक बड़े बाउल में, और उसमें मैं डाल रही हूँ धनिए की बुक्की, थोड़ी थोड़ी डालूंगी, ज़्यादा नहीं, 1 चम्मच के करीब होगा ये सब, और लाल मिर्ची की बुक्की डालूंगी। बच्चे हैं घर में तो थोड़ी कम डालिए लाल मिर्ची। और ये हल्दी, हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही जाती है कढ़ी में, आप सभी जानते हैं, क्योंकि वो पीली पीली रहती है। और इसमें मैं एक कटोरी भर के ना दही डाल रही हूँ। छास में भी बनाएंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आएगा, मगर छास अवेलेबल नहीं थी तो इसलिए मैं कढ़ी में बना रही हूँ, सॉरी दही में बना रही हूँ। तो अब इसको ना विस्कर से अच्छे से मिक्स करना है हमें, और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के ना इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, अच्छे से है ना, इसका जो जितने भी लम्स वगैरह है ना सब कुछ निकल जाए, जब तक कि इसको अच्छे से फेंटना है, खूब अच्छे से पूरा स्मूथ कर लेना है हमें। तो ये मेरे को है ना थोड़ा छोटा सा पड़ रहा था विस्कर मेरा छोटा वाला, तो मैंने बड़ा वाला ले लिया है, तो इससे थोड़ा और जल्दी भी हो जाएगा और अच्छे से है ना इसके जो लम्स है ना वो डिज़ोल्व हो जाएंगे। और मैंने थोड़ा और एक्स्ट्रा पानी डाल लिया है, खूब अच्छे से मिक्स किया है इसको पानी डालने के बाद खूब अच्छे से। अब इसको मैं ढक के रख दूंगी साइड में। और मैंने ये लिया है एक बड़ा कांदा, जो कि जिसमें मैं आधा ही डालूंगी, पूरा नहीं डालूंगी कढ़ी में, और जो आधा कांदा बचेगा ना वो बाद में मेरे काम आएगा। तो ये मैं है ना मसाला पीसने के लिए आई हूँ। अब ये आधा कांदा लिया है मैंने, हरी मिर्ची है, ये छोटा अदरक का टुकड़ा है, और 4 से 5 लहसुन की कलियाँ लेनी है हमें, बस इतना ही पीसना है, ज़्यादा कुछ नहीं। आप चाहिए तो लाल अखी मिर्ची भी डाल सकते हैं, अपने है ना टेस्ट के हिसाब से डालिए मिर्ची वगैरह भी। तो मैंने मसाला पीस लिया है। अब ये मैंने बड़ा खुला बर्तन, मतलब पूरी बड़ी कढ़ाई ली है मैंने अपनी, और उसमें मैंने है ना आधा पौनी वाटी भर के है ना इसमें तेल डाला है, तो इसको अच्छे से मैंने गर्म होने दिया है। उसमें मैंने थोड़ी सी डाली है ज़ीरा, और इसमें मैं थोड़ी सी राई भी डालूंगी, क्योंकि है ना कढ़ी में राई का बहुत अच्छा काम होता है। अब मैं इसको थोड़ा ढक के रख दूंगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा चटक रहा है ना, तो इसलिए मैं ना रख देती हूँ, राई बहुत ज़्यादा चटकती है। और जो मैंने मसाला पीसा हुआ था ना, तो ये मसाला इसमें मैं डाल लूंगी, और अच्छे से चम्मच चलाना है, और हमें अच्छे से भूनना है, जब तक इसकी रॉ स्मेल ना निकल जाए तब तक हमें खूब अच्छे से भूनना है। और ये जार में थोड़ा सा मसाला बचा हुआ था तो उसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया है, और ये कड़ी पत्ता मैं फर्स्ट में डालना भूल गई थी, क्योंकि जब राई चटक रही थी तो इसलिए थोड़ा सा डर लगता है, तो इसलिए अब डाल रही हूँ मैं कड़ी पत्ता, कुछ ऐसा खास इशू नहीं होगा। तो ये अच्छे से भून गया है थोड़ा सा मसाला, पानी वगैरह भी सॉफ्ट हो गया है, स्मेल भी निकल चुकी है, और ये जो कढ़ी का जो हमने पूरा घोल बनाया हुआ था ना, तो उसको एक बार और अच्छे से मैंने चला लिया है। अब वो सारा इसमें मैं डाल लूँगी, खुले बर्तन में बनाओ ना तो अच्छा बनता है, तो इसलिए मैंने ये वाली कढ़ाई ली है। अब ये सारा मैंने डाल दिया है इसमें। मैंने जब कढ़ी का बैटर घोल रही थी ना मैं, तब मैंने उसमें ना गरम मसाला डालना भूल गई थी, तो अब मैंने गरम मसाला डाला है, तो ऐसा कुछ खास इशू नहीं होगा। तो बस इसको अब है ना हमें चम्मच चला लेना है, खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। ये है ना मुझे कढ़ी थोड़ी सी फीकी लग रही थी, थोड़ा सा कलर इसका फीका लग रहा था, तो मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली है। इसी स्टेज पे हमें हल्दी वगैरह डालनी है, अगर बाद में डालेंगे तो स्मेल रह जाएगी। और मैं कभी भी कढ़ी में पहले नमक नहीं डालती, पहले नमक डाल दो तो वो पतली हो जाती है। अब इसको हमें कंटिन्यू चलाते ही रहना है, जब तक इसमें फर्स्ट बॉयल ना आ जाए, जब तक चलाते रहना है। अब ये चलाते चलाते अच्छी सी थिक हो गई थी, बॉयल अभी तक आया नहीं था इसमें, और कढ़ी का है ना कलर भी चेंज हो गया था, थोड़ा और डार्क हो गया था। तो ये देखिए अब अच्छे से बॉयल आ चुका है इसमें, खूब अच्छे से बॉयल आ गया है। तो भी थोड़ी देर और हमें चम्मच चलाना है कंटिन्यू, उसके बाद रुकना है अपने हाथ को। अगर नहीं करेंगे ना ऐसे तो ये कढ़ी में है ना थोड़े थोड़े वाइट स्पॉट्स रह जाते हैं। तो ये अब मैंने ना नमक इस टाइम पर डाला है, क्योंकि बहुत ज़्यादा थिक हो गई थी, तो वो फिर और बाद में और थिक होती, तो इसलिए मैंने पहले ही कढ़ी में नमक डाल दिया।
तो अब ये है ना मैंने अच्छे से चला लिया, बस इसको थोड़ा सा खुला रख दूँगी, पकने के लिए रख दूँगी मैं। अब ये है ना कोफ्ते मैंने बनाए थे मेरी पहली वाली वीडियो में, तो ये कुछ कोफ्ते बच गए थे, तो ये जो मेरी जो सब्सक्राइबर है उन्होंने मुझे कमेंट किया था कि आप ऐसे ऐसे बनाना, तो ये मैंने सोच के रखा था कि हाँ मैं सेम ऐसे ही बनाऊँगी जैसे उन्होंने मुझे बताया है। तो ये कोफ्ते मैंने पहले ही निकाल लिए, कड़ी पक रही थी तो मैंने सोचा निकाल लूँ तो थोड़े और अच्छे से सॉफ़्ट हो जाएंगे, तो वही मैं आप लोगों को निकाल के दिखा रही हूँ। ये तो ये बहुत ज़्यादा हार्ड थे, बहुत ज़्यादा हार्ड थे, ये मैंने ऐसे ही बॉल्स बना के रख दिए थे फ्रिज में कि मैं नेक्स्ट टाइम कुछ भी कर लूँगी इसका। तो ये मैंने पहली बार बनाई है कोफ्ता कड़ी, फर्स्ट टाइम बनाई है। मेरी अम्मी जब भी कड़ी बनाया करती थी ना तो कीमा बनाया करती थी, क्योंकि मेरे जो बड़े भाई हैं ना वो कीमे के साथ कड़ी खाया करते थे। ऐसा कोफ्ता वगैरह नहीं डाला है कभी अम्मी ने, और मैंने फ़र्स्ट टाइम डाला है, तो अच्छा ही बना था, अच्छी थी, बहुत अच्छी थी ये। तो ये कड़ी अच्छी तरीके से पक गई थी, तो ये सारे कोफ्ते अब मैं इसमें डाल लूँगी, सारे जितने भी थे 9 या 10 कोफ्ते बचे हुए थे तो वो सारे इसमें मैंने डाल लिए हैं। अब इसको है ना मैं थोड़ी देर के लिए ना ऐसे ही ढक के रख दूँगी जिससे कि ये कोफ्ते टूटे भी ना और अच्छे से है ना पक भी जाए। तो अब ये है ना इसको मैं चेक करने के लिए आई हुई हूँ कि कोफ्ते अभी कैसे हैं, पके हैं क्या नहीं पके हैं। तो ये टूटे नहीं थे, बस इसी का डर रहता है हमेशा, माशाल्लाह मैं जब भी बनाती हूँ ना तो कोफ्ते टूटते नहीं हैं अभी तक, तो माशाल्लाह अल्लाह का करम है, तो इसमें भी नहीं टूटे हैं। तो बहुत ही सॉफ्टली मैं अपना हाथ चला रही थी क्योंकि ये टूट ना जाए बाई चांस। तो ये देखिए माशाल्लाह से, तो ये कड़ी है ना धीमी आँच पर पक रही थी, कोफ्ते भी पक ही रहे थे क्योंकि पकना बाकी था। मैंने साइड में चढ़ा दिए थे चावल नमक डाल के, क्योंकि मेरे बच्चे हैं ना स्कूल से आएंगे ना तो जल्दी से उन लोगों को दे दूंगी मैंने, और कड़ी का अमाउंट थोड़ा ज़्यादा रखा है क्योंकि मेरे बच्चे कड़ी कड़ी खा लेंगे और कोफ्ते वगैरह मैं और मेरे हस्बैंड खा लेंगे। अब ये कोतमीर डालना है कड़ी में, तो ये अच्छे से बबल्स आ रहे थे, तो भी मैं है ना बहुत ही स्लो अपना हाथ चला रही थी कि जिससे कि ना कोफ्ते टूट ना जाए। मैं अपनी अम्मी के यहाँ खाया करती थी कड़ी और कीमा। मैंने ना कभी ऐसे सुना भी नहीं था कि कड़ी में कोफ्ते भी डालते हैं, तो ये मैंने सोचा कि कुछ न्यू है लाओ करके देख लेती हूँ, तो वही बहुत अच्छा लगा, बहुत टेस्टी बना था ये, बहुत मज़े का बना था। और जो हम नॉर्मल कड़ी खाते हैं ना तो उससे ज़्यादा बेस्ट लगा मुझे ये, क्योंकि है ना कोफ्ते का टेस्ट आ गया था इसमें और अच्छे मतलब रिच फ्लेवर हो गया था, तो बहुत अच्छा लगा। तो ये अब मैंने कढ़ाई है ना कड़ी साइड में रख दी है, कढ़ाई उठा के अब एक पैन लिया है, उसमें थोड़ा तेल डाला है और उसमें थोड़े से है ना मैंने राई डाली है और ये कड़ी पत्ता डाला है इसमें मैंने बघार के लिए, और इसमें मैंने जो आधा कांदा बचा हुआ था ना प्याज वो बारीक चॉप करके इसमें मैंने डाल लिया है, क्योंकि प्याज का बघार देते हैं ना तो अच्छा लगता है। आप इसमें है ना अक्खी लाल मिर्चें भी तोड़कर डाल सकते हैं बीच में से, बस इसको है ना ये छुरी की थोड़ी हेल्प से मैं चला लूँगी। ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन हो गया है तो अब बस है ना मैं कड़ी में डाल दूंगी। तो ये ऊपर से मैंने दे दिया है इसको बघार, ये सेम मेथड है, बस भजिए की जगह है ना हमें ये कोफ्ते डालने थे। और रेसिपी भी बहुत अच्छी लगी और खाने में भी टेस्टी था ये, बहुत मज़े की लगी थी मुझे, मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है, आप लोग भी प्लीज़ ट्राई करके देखिएगा, बहुत मज़े के लगेगा आपको। जो कड़ी पकौड़ा खाते हैं ना हम वो अलग टेस्ट आता है और इसका अलग टेस्ट है। तो ये अब मैंने चावल ले लिए हैं अपने लिए और ये एक छोटी सी कटोरी में मैंने अपने लिए कड़ी निकाली है, मैंने तो बहुत शौक से खाई थी, जिन्होंने मुझे बताया उनका थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी रेसिपी लगी मुझे ये। अब ये देखिए मैं अपने लिए ना ले रही हूँ कड़ी, ये ना वाकई में बहुत मज़े की बनी थी, बहुत टेस्टी बनी थी। आप लोग भी प्लीज़ मुझे ऐसी कुछ आपकी रेसिपी वगैरह होगी ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी उसी तरीके से बनाने की। ये तो रेसिपी बहुत पसंद आई मुझे भी और मेरे हस्बैंड को भी, हम लोगों ने शौक से खाई थी, ये ना बहुत टेस्टी लगी बहुत, सच में मैं अभी वीडियो बना रही हूँ और मेरे मुँह में ना सच में पानी आ रहा, इतनी टेस्टी बनी थी ये, शायद हो सकता है मेरे हाथों का जादू हो, बहुत टेस्टी बनी थी ये। वो कहते हैं ना लेडीज़ इतनी एक्सपर्ट हो जाती हैं ना खाने पकाने में, तो मतलब हर चीज़ अच्छी बना ही लेती हैं वो, अल्लाह उनके हाथ में है ना इतनी स्वाद और टेस्ट दे ही देता है जो अच्छा बन जाता है। हम सब लेडीज़ के हाथ में ऐसा ही जादू होता है, जैसे जादू हमारी माओ के हाथ में होता है वैसे ही आहिस्ता आहिस्ता हमारे हाथ में आना शुरू हो जाता है। तो ये
मैंने कढ़ी वगैरह अपनी खा ली थी, खाना वगैरह सबने खा लिया था। तो ये है ना, शाम का वक्त हो गया था, तो मुझे मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा भी बना के देना था क्योंकि हम जाने वाले थे बाहर। मेरे हस्बैंड कहने लगे कि चलो बाहर जाएंगे, बहुत दिन हो गए बाहर नहीं गए। तो बारिश भी इतनी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, और बाहर खाओ ना मुझे वो अच्छा नहीं लगता। तो मैंने सोचा कि मैं ना घर में ही मंगा के सब कुछ बना के खिला देती हूँ बच्चों को। और माशाल्लाह से घर में सारा सामान भी था, कुछ ही मुझे बाहर से मंगाना पड़ा। और चिकन वगैरह तो मैं हमेशा अपने फ्रिज में रखती ही हूँ, तो सब कुछ मैंने सब निकाल लिया। और ये सॉस वगैरह तो हम सभी के घर में होते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं, देना करना पड़ता है। और ये मैंने है ना चार, दो बड़े साइज़ के टमाटर हैं और दो छोटे हैं, इनको खूब बारीक चॉप करना है हमें। अभी मैं बनाने आई हूँ पिज़्ज़ा सॉस। पिज़्ज़ा सॉस बहुत ही ईजी बनता है, मैं पहले ये बना के रख लिया करती थी मेरे बच्चों के लिए टिफ़िन वगैरह में देने के लिए, मगर स्कूल वालों ने मना कर दिया। और एक प्याज काटी है मैंने छोटी सी, और एक है ना दो कैप्सिकम ली है, शिमला मिर्च वो काटी है। आपको दिख रही होगी बारिश, दिख रही है क्या नहीं पता नहीं, मुझे तो इसमें नहीं दिख रही है बारिश, मगर इतनी तेज़ बारिश थी बे इंतहा। तो हम लोग ने कहा कि चलो घर में ही बना के खाएंगे, बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। अब ये पैन लिया है, इसमें मैंने है ना तेल डाला था और थोड़ी सी लहसुन को ना चॉप करके इसमें डाल लिया है। अब ऊपर से मैं डाल रही हूँ प्याज बारीक चॉप की हुई। बस इसको है ना अच्छे से चम्मच चलाना है, हमें खूब अच्छे से चम्मच चलाना है। ये थोड़ा सा लाइट है ना कैरेमल अपना छोड़ देगी ना, जब कैरेमलाइज हो जाएगी ना ये, तो उसमें हमें डालना है टमाटर और ये कैप्सिकम डालना है। और इसमें है ना आप हर्ब्स डाल सकते हैं, जो आपके पास अवेलेबल हो वो वाले हर्ब्स डाल दीजिए। ये पिज़्ज़ा बहुत टेस्टी बनता है। और मेरे पास अभी ओवन नहीं है तो मैं अपने तवे पर ही बनाती हूँ। और इसके ऊपर से मैंने डाल दिया है नमक दो चम्मच के करीब, और ये कश्मीरी मिर्च है जिससे कलर आता है वो वाली मिर्च है। आप इसमें चिल्ली फ्लेक्स भी डाल सकते हैं और ओरिगैनो भी डाल सकते हैं, क्योंकि ये है ना पिज़्ज़ा का एक बेस होता है तो उसमें ही सारा टेस्ट होता है। तो ये मेरे पास ओरिगैनो रखा हुआ था तो वो मैंने अंदाजे से एक चम्मच के करीब इसमें डाल दिया है, और ये चिल्ली फ्लेक्स भी डाला है। ये पिज़्ज़ा वाला चिल्ली फ्लेक्स है, ये वो वाला मैंने डाला है इसमें, तो इससे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है। मुझे ना मेरे हस्बैंड कहने लगे कि अब मैं ना तुमको ओवन दिला दूंगा, तो मैंने बोल दिया अभी इस घर में मुझे बिल्कुल ओवन नहीं चाहिए, जब हम बड़े घर में जाएंगे तब ओवन लेंगे, तो अभी ज़रूरत नहीं है, बस जैसे भी है मैं चला रही हूँ। तो ये पिज़्ज़ा सॉस है ना मैंने ढक के रख दिया था और अच्छे से अब सॉफ्ट हो चुका है। और ये चिकन मेरे घर में रखा हुआ था, एक पैकेट रखा हुआ था, उसमें से मैंने हड्डी हड्डी रख दी है साइड में, और ये गोश्त ले लिया है। और इसमें है बिरयानी मसाला है या टिक्का मसाला है वो डालिए, और कश्मीरी लाल मिर्ची डाली है और हर्ब्स डाले हैं और नमक डाला है मैंने इसमें, जो पिज़्ज़ा में हर्ब्स डालते हैं ना, और ओरिगैनो है, ये सब डाल के इसको है ना मैरिनेट करके मैंने साइड में रख दिया है। अब ये मैं बनाने के लिए लगी हूँ पिज़्ज़ा सॉस, जो बेस पे लगता है मेयोनीज से बनता है वो। ये मेयोनीज है 4 से 5 चम्मच के करीब, और ये ओरिगैनो इसमें मैंने डाला है, चिल्ली फ्लेक्स डाला है इसमें अच्छे टेस्ट के लिए, और ऊपर से डाल दिया है थोड़ा सा सॉस। सॉस से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, बहुत ही अच्छा टेस्ट बनता है। तो यही सब कुछ मेरे पास था, तो मैंने मेरे हस्बैंड को कहा कि बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है, और बाहर जाओ फिर है ना बारिश होती है, बच्चे भी परेशान होते हैं, तो इसलिए ना घर में बना के खाइए और बच्चों को भी खिलाइए, बहुत मज़े का बनता है ये सब कुछ। तो ये देखिए कितना एकदम थिक बन गया है। तो ये सॉस रेडी था। अब ये मैंने है ना टमाटर का जितना बनाया था ना मैंने पेस्ट पिज़्ज़ा सॉस, वो निकाल के एक प्लेट में साइड में रख दिया है, और ये चिकन इसमें मैंने डाल दिया है और ढक के रख दिया है। और कुछ देर बाद मैंने इसको चेक किया, 5 से 7 मिनट के बाद, तो ये थोड़ा सा सॉफ़्ट हो गया था और बाकी सॉफ़्ट होना बाकी था। तो बस इसको अच्छे से चम्मच चला लूँगी, और अच्छे से मैंने ना इसको पका लिया था, खूब अच्छे से पका लिया था और खूब अच्छे से गला लिया था। और ये मैंने है ना दो पिज़्ज़ा के ब्रेड के पैकेट मंगाए हैं, मैंने दो इसलिए मंगाए थे कि जो 3 पीस वाले आते हैं ना वो मंगाए थे, मगर ये 2 पीस वाले आ गए, तो कोई बात नहीं। तो हम लोगों ने सिर्फ 4 ही पिज़्ज़ा बना पाई, मैं ज़्यादा नहीं बना पाई। तो ये मैंने निकाल लिया है, ये साइड में अब मैंने रख दिया है इसमें। अब ये तवा है ना मैंने गरम करने के लिए रख दिया है, तो बस इसको आगे पीछे दोनों साइड से ना सेक लेना है हमें, जैसा पिज़्ज़ा बनता है वैसे ही सेम बनाती हूँ, और है ना रेस्टोरेंट वगैरह से भी बेस्ट टेस्ट आता है इसमें। और आज जो मैं ना चीज़ इस्तेमाल करने वाली हूँ ना, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ख़रीदा है चीज़, ये गो चीज़ है, हाँ ये गो चीज़ है, मैंने फ़र्स्ट टाइम लिया है, वरना तो हमेशा अमूल का मोज़रेला लेती हूँ, दूसरा कुछ ले लेती हूँ, मगर ये फ़र्स्ट टाइम लिया। और ये है ना बहुत ज़्यादा बाहर रखे रखे ना सॉफ़्ट हो गया था,
टेस्ट इसका बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा टेस्ट है इसका चीज़ का, जो मुझे अमूल में टेस्ट नहीं आता वो उसमें टेस्ट आया है। तो अब सबसे पहले मैं ना ये वाला सॉस लगाऊंगी जो मैंने मेयोनीज वाला बनाया था। ये ब्रेड को मैंने सेक लिया था, तो 2 चम्मच मैं इसमें ये डाल लूँगी। तो इसको अच्छे से स्प्रेड कर लेना है पूरे पिज़्ज़ा ब्रेड पर, खूब अच्छे से फैला लेना है हमें। और ये जो पिज़्ज़ा सॉस बनाया था वो भी 2 से 3 चम्मच लूँगी मैं। मैंने बस अभी जितना लगेगा उतना ही मैंने बनाया है, वरना आप चाहिए तो बना के रख सकते हैं कांच की बॉटल में। तो इसको अच्छे से फैला लिया है और ये चिकन ऊपर से मैंने डाला है। मैंने इसमें टिक्का मसाला डाल के इसको पकाया था, आपके पास जो हो वो डाल के पका सकते हैं या फिर चिकन मसाला भी डाल के बना सकते हैं। तो ऊपर से मैंने इसे डाल लिया है। और ये थोड़ी सी वाइट सॉस रखी हुई थी मेरे बच्चों को, उनको ये खाला ने दिया था ये वाइट सॉस, तो ये उसके ऊपर से डालूंगी क्योंकि मेरे बच्चे बोल रहे थे मम्मा बहुत अच्छा है इसके ऊपर डालो। और ये जो चीज़ मैं कट करके डाल रही हूँ ना, ये है ना ग्रेट नहीं हो रहा था, ये एकदम ही अलग हो जा रहा था, एकदम सॉफ्ट हो चुका था, तो इसलिए मैंने इसको यूज़ नहीं किया। बाद में ऊपर से छुरी से कट करके डालती गई मैं। तो ये देखिए माशाल्लाह से पिज़्ज़ा बन के रेडी है। अब इसको मैंने है ना तवे पे रख दिया है। ज़्यादा कुछ तामझाम नहीं होता है, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और हम सब है ना पेट भर के खा लेते हैं। अब ये मैंने है ना छोटे जो क्यूब्स होते हैं ना वो वाला चीज़ निकाला है, मेरे पास वो वाले भी थे, तो इसको ग्रेट कर रही हूँ तो अच्छे से ग्रेट हो रहा है, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखे रहते हैं तो थोड़े हार्ड रहते हैं, तो अच्छे से चीज़ ग्रेट हो गया, पहले वाले में ग्रेट नहीं हुआ था। तो मैंने इसी तरीके से सारे पिज़्ज़ा अपने बनाए थे। तो ये माशाल्लाह से फ़र्स्ट वाला जो पिज़्ज़ा था वो बनके रेडी था पूरी तरीके से, और चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई थी। तो अब इसको मैं है ना निकाल लूँगी। ये देखिए माशाल्लाह बहुत अच्छे से बन गया था। ऊपर से मैंने थोड़ा सा चीज़ ग्रेट भी किया था, जो दूसरे वाले क्यूब्स वाले थे ना वो भी ग्रेट किया था। अब ये वाला भी मैं है ना तवे पर रख दूँगी। अब इसको भी है ना ढक के रख देना है। 5 से 7 मिनट में ना ये पिज़्ज़ा रेडी हो जाता है, सच में बहुत टेस्टी लगता है। अब है ना आप लोग रेस्टोरेंट वगैरह में भी जाओ ना तो इतनी भीड़ मिलती है ना, रिज़र्व रहते हैं पूरे टेबल्स वगैरह रिज़र्व रहते हैं, तो इसलिए ना जाने का दिल नहीं करता है और ना बहुत परेशानी होती है जाने आने में। इसीलिए ना मैं अपने घर में बना लेती हूँ हर चीज़। तो ये पिज़्ज़ा बन के रेडी था। ये मेरे बच्चों का पिज़्ज़ा था जिसमें मैंने मिर्ची नहीं डाली थी ऊपर से, हमारे जो पिज़्ज़ा थे ना मेरे और मेरे हस्बैंड का, ऊपर से मैंने हरी मिर्ची काट के डाली थी, क्योंकि है ना हम लोगों को थोड़ा चटपटा ज़्यादा पसंद है। मुझे भी मेरे हस्बैंड की ना आदत हो चुकी है साथ में रह रह के चटपटा खाने की। तो ये ऊपर से मैंने डाल दिया है सॉस। ये मेरे बच्चों का पिज़्ज़ा, इसमें से मैंने एक बाइट ले लिया था, तो ये बहुत टेस्टी बना था। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी, पिज़्ज़ा की रेसिपी कैसी लगी, और जो मैंने कढ़ी कोफ्ता बनाया था वो कैसा लगा। आप लोग प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग चैनल पर अगर न्यू होंगे ना तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को प्लीज़ लाइक करना मत भूलिएगा। तो ये हस्बैंड है ना बाहर से नूडल्स और राइस भी लेकर आए थे कि बच्चे खा लेंगे, क्योंकि जब मैंने कोफ्ता कड़ी बनाई थी ना तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल नहीं खाए थे। मेरे हस्बैंड तो बहुत शौक से खाए थे, मैंने भी शौक से खाई थी। और मेरे हस्बैंड कैसा है ना, बहुत ही देसी टाइप के हैं, उनको जब तक खाना वगैरह नहीं मिले ना तो वो खुश नहीं होते। तो फ्रेंड्स उम्मीद करती हूँ आपको मेरा पूरा वीडियो पसंद आया होगा, मैं इसी तरह की रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लाती रहूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जज़ाकअल्लाह एवरीवन।